ये सपना था, मैं कितनी खुश हो रही थी। अब सपना देख ही लिया है तो जाके उसे सच करते हैं और मेरे सपने को म्यूजिक वीडियो में उतारते हैं। सो आज यहाँ से ना हमारी जो शूटिंग लोकेशन है ना वो 2.5 घंटा दूर है, तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं और आज मेरा रोमांटिक म्यूजिक वीडियो का सेकेंड पार्ट शूट होने वाला है। और हमारी जो प्रवेश टाइम शूटिंग टीम है वो सब निकल चुके हैं शूटिंग लोकेशन पे। और देखो यहाँ पे हमारी टीम भी रेडी है, अभी हम लोग निकल रहे हैं शूट लोकेशन पे, लेट्स गो। ये देखो यहाँ पे कितना मस्त मिरर है, आप लोग भी देखो मिरर में। हमको क्या करने का देख के अच्छे लग रहे हैं वैसे भी, मम्मी पापा दोनों भी। शूट तेरे को करने का, आप भी है ना? रखने वाले थे, लेकिन मम्मी ने यहीं पे सरप्राइज खोल दिया। अब मेरा क्या काम है वीडियो में? आप हो वीडियो में, चलो मैं बताऊंगी स्टोरी आपको। पापा ने कहा था ना उनको विलन का रोल चाहिए और उनको हीरो को विलन बन के मारना है। मेरी दिल से इच्छा है कि ना मेरे को कभी ना ऐसा विलन का एक, मैं अपने लाइफ में एक विलन का रोल करूं और हीरो को मारूं, बहुत मारूं। उनको है ना किसी हीरो को ऐसे मारना है विलन बन के। हां तो ठीक है, आपको मार लेंगे। तो आज पापा को देंगे विलन का रोल, बट ये सीक्रेट है, पापा को नहीं पता। देखो बाहर पूरा अंधेरा है, अभी तो दिन भी नहीं निकला और हम लोग जा रहे हैं शूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग आर्यन, नींद हो गई? नहीं नींद तो नहीं हुई, लेकिन ये देखो ये आ गई हमारी गाड़ी। अभी मैं क्या करूँगी, मैं ना सबसे पीछे चली जाऊंगी। हाँ पहले सामान रख लो। सबसे पीछे वाली सीट पे और हमारी है ना सिर्फ 2 ही घंटे की नींद हुई है, तो मुझे है ना म्यूजिक वीडियो में एकदम फ्रेश दिखना है, तो मैं अभी जब तक हम शूटिंग लोकेशन पे पहुंचते हैं ना तब तक सो जाती हूँ और वहाँ पे जाके सबसे मिलेंगे फिर। तो आज मैं ना एक एक्टर की लाइफ कैसे होती है वो फील करने वाली हूँ, कि सुबह कितने बजे उठना पड़ता है, कितने घंटे की नींद में पूरा दिन शूट करना पड़ता है, जो मिले वो खाना पड़ता है और गाड़ी में ही अपनी नींद जो है वो ऐसे कंप्लीट करनी पड़ती है। सो पूरा दिन आज मैं यही फील करने वाली हूँ, मैं आपको भी बताती हूँ मुझे कैसे लगता है। आप सब पूछ रहे थे ना मेरा एंड प्रविष्ट का पॉडकास्ट किस चैनल पे आने वाला है, तो चैनल का नाम है दी अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1 घंटा ड्राइव करके आ गए हम और यहाँ पे अभी रुक के चाय पी रहे। ये ओम शांति ओम के सेट पे आ गए क्या अपन? भूतिया सेट दिख रहा है यहाँ पे, हॉरर मूवी के शूट होने वाला सेट दिख रहा है। तो बड़ा सेट है अंदर से। चलो हीरोइन सेट पे पहुंच गए हम, उठो उठो सेट पे पहुंच गए हम। हाँ आ जा, उठ जा सुपरस्टार काव्या यादव, आ जाओ। थैंक यू पापा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो फाइनली हम लोग सेट पे पहुंच चुके हैं, चलो हम लोग अंदर चलते हैं और मैं आप सबको सेट दिखाती हूँ। अच्छे से सो गई, मेरी पूरी नींद हो गई है, अब मस्त शूट करेंगे दिन भर। मम्मी आप सोए थे कि नहीं? मेरे को लगा मैं सो गई तो सब सो गए होंगे सामने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखो वाह इधर तो फूल भी है, ये ऐसे यहाँ से है ना ऐसे एंट्री करने की है। देखो यहाँ पे अंदर वगैरह है ना लाइट्स लगे हुए, ये देखो इधर से ऐसे चलने का ऐसे। रात में अच्छा दिखेगा। हाँ रात में ही ना मम्मी लाइट, ये देखो ना ऐसे वाला सेट है ये, और उधर की साइड पूरा गार्डन वाला है और इधर की साइड पूल एरिया है। देखो ना ये घर कितना प्यारा है और कितना सुंदर लग रहा है ना, जितना प्यारा है ये बाहर से उतना प्यारा अंदर से भी होगा। चलो हम घर के अंदर चलते हैं, आ जाओ ये घर की एंट्री है ना इधर से। इधर तो कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसे सोचा था कि ये घर के अंदर बहुत मस्त मस्त सोफे होंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये दिखावा है। हाँ सिर्फ दिखावा है, देखो गाइस मेरे को लगा सच में घर है ये, लेकिन ये दिखावा है। बाहर से उधर से देखो आप कितना अमेजिंग और कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ अंदर से कुछ भी नहीं है, अंदर से कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है वो। पापा इधर आओ ना, आपको साइड देखना है अंदर से, अंदर घर बहुत अच्छा। हाँ देखा ना मैंने, पापा ने पहले ही देख लिया। इधर का देखो कैसे दिख रहा है, ये कितना प्यारा है, ये भी बहुत मस्त है, अंदर जा सकते हैं। शायद यहाँ पे अंदर कुछ होगा। अरे ये डोर ही नहीं खुलता, ये डोर पूरा पैक है। अभी देखो मैं मस्त है ना एक्ट्रेस की जैसे चल के आती हूँ।
चलो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और मेकअप है ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा ना और तब तक हमारे हीरो भी आ जाएंगे। तो ये है मेरी मेकअप रूम। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे शूटिंग पे है ना मेरी मेकअप रूम है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा है ना नर्वस भी हूँ। आ जाओ, ये देखो, ये रही मेकअप रूम। कितना अच्छा लगता है ना जब आप ऐसे अपने को ऐसे मेकअप रूम मिलती है, फिर आपको पता है कि ऐसे ऐसे शूट होने वाले हैं। सच में यार बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसे है ना एक्ट्रेस वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे तो मैं आराम कर लूंगी अभी। हाँ आप आराम कर लो। तो मैं भी है ना चाहती थी कि मेरी भी है ना मेकअप रूम हो, बस मैं यहाँ पे ऐसे बैठूं और यहाँ पे मेरा मेकअप चले। देखो सारे सपने सच हो रहे हैं मेरे। सो ये है सिद्धि, स्टाइलिश है ये। आप अभी आउटफिट दिखाइए कौन से आज के शूट के लिए। सो फर्स्ट ये ब्लैक वाला वन पीस है, सेकेंड वाला यूनिफॉर्म है, स्कूल गर्ल वाला यूनिफॉर्म। रुको दिखाते हैं आपको भी। ठीक है, जैसा कंफर्टेबल है तैसे बोलो। उनको भी मराठी आती है तो उनको मैंने बोला कि जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे बात करो। हाँ ये देखो, ये स्कूल गर्ल वाला यूनिफॉर्म है, ये रास्ता। तो स्कर्ट मुझे इतना खास नहीं लगा, तो मैंने भी एक स्कूल गर्ल स्कर्ट अपने साथ लाया था, एंड सिद्धि ने लाया हुआ स्कूल शर्ट बेस्ट था। ये देखो, ये रहा स्कूल गर्ल वाले यूनिफॉर्म, ये है शर्ट, ये है स्कर्ट और ये रही रेड कलर की टाई। मैं भी लाई हूँ ब्लैक वाला, वो एक बार देख लेते वो मुझे बेटर लगेगा। और मैं बताती हूँ मैं कौन सा वाला ब्लैक वाला वन पीस लेके आई हूँ। देखो मैं ना स्कर्ट भी लेके आई हूँ स्कूल गर्ल के लिए, मैं मॉल में गई थी तब लेके आई थी, तो ये भी बेटर लगेगा। और ब्लैक वाले में मैं ये वन पीस लेके आई हूँ जो मेरे बर्थडे का वन पीस है। ये गाउन मुझे बहुत पसंद है तो ये अच्छा लगेगा। देखो तो फर्स्ट मैं ना ये ब्लैक वाला आउटफिट पहनने वाली हूँ जो मैंने अपने बर्थडे पे पहना था। तो जल्दी से अभी मेकअप कर लेते। कहाँ है आर्यन? आर्यन आ जाओ मेकअप करते। हाय हमारा तो BTS वाला साइन चलता ही रहता है। ये देखो, ये खुला आर्यन का मेकअप का पिटारा। देखो तो मैं ना ये गाउन पहन के आ गई। एक सेकेंड, कैसे लग रहा है बताओ? तो अभी जल्दी से मेकअप करते हैं। और ये वाले लुक का मेकअप थोड़ा सा है ना हैवी है, तो इसलिए टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ फास्ट फास्ट मेकअप करते हैं। लेंस भी पहनने हैं मुझे आज, बताओ कौन से लेंस है। रेडी हो रही हूँ लेंस पहनने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है लेंस पहनने के लिए कि आँखों में से पानी निकल जाता है मुझे। वाह बैठ गई इतनी जल्दी लेंस। देखो ये कलर कैसे लग रहा है आँखों पे, बहुत अच्छा सूट कर रहा है। थोड़े बाल हटा, दिखाई दे। वाह ये आँखों पे लेंस नहीं लगाई, ये आँखों पे लेंस लगाई हुई है। लेंस कैसी लग रही है बताओ? और तब तक है ना मेरे हेयर्स भी कर रहे हैं। हेयर्स कैसे स्ट्रेट करने आ रहे हैं? स्ट्रेट हेयरमैन के हेयर्स। स्ट्रेट हेयर्स कर रहे हैं। आर्यन नहीं, BTS आर्यन है वो। यस BTS आर्यन। वाह मेंटेन है मेरे हेयर्स। देखो कल आयनिंग की थी हमने, अभी तक स्ट्रेट है। दो पानी पापा सो जाओ, अभी थोड़ी देर आराम कर लो, पापा की नींद भी नहीं हुई है। हीरोइन के लिए चाय आ गई ना। होलोग्राफी आ गया है मुझे तो नहीं पता, आपको पता है तो आप कमेंट्स में बताओ, इसीलिए मैं चुपचाप बैठी हूँ कि क्या है ये, मैंने नया शब्द सुन लिया कुछ। देखो तो ये है होलोग्राफी का है, अभी तो बाकी है थोड़ा लाइनर लगाना है ना। अभी हम लोग है ना हाथों पे भी ये हाईलाइटर लगा रहे, बताओ क्यों लगा रहे हाईलाइटर? आंखों से इतना नहीं लेकिन जैसे हम कैमरे में देखते हैं ना तो दिखता है। और मैं रेडी भी हो गई हूँ, बताओ कैसी लग रही हो? कहाँ पर है प्रविष्ट, कहाँ पर है? हीरो भी आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ एक्ट्रेस का मेकअप नहीं होता है, एक्टर का भी मेकअप होता है। मैंने अब तक किया नहीं है मेकअप। अब देखना कितना मेकअप होता है, आओ इधर आपका मेकअप करना है अभी। हमारा आउटफिट भी मैच है, देखो मैंने भी ब्लैक पहना है और प्रवेश ने भी ब्लैक पहना है। इस बार शायद प्लान था। हाँ इस बार प्लान था। अरे वो टैग तो निकाल लेते। अरे टैग शायद इनका वो टैग निकालना। अच्छा तो ये भी कंडीशन है क्या? बहुत गणित है तो ये मत डालना। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है।
इधर म्यूट कर देना कि क्या सीक्रेट था। हाँ ठीक है, ये क्या सीक्रेट है आप गेस करो। नहीं पर टैग डाल, अंदर डालते हुए देख लेंगे लोग। हाँ, समझ जाएंगे। कट कर देंगे। कंफर्टेबली जी जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप देख रहे हैं इनका कितना मेकअप होता है, इनको भी मेकअप के लिए टाइम लगता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही मेकअप करती है। अब क्या होता है, लड़कियां इतनी सुंदर लग जाती है ना कि फिर मैच करने के लिए लड़कों को थोड़ा मेकअप तो करना ही पड़ेगा। आपको मैं दिखाता रहूंगा बीच बीच में। Yes. और आप बताना आपको कैसे लगता है बीटीएस? ठीक है, जोर से देखो कैसे मेकअप चल रहा है इनका। देख रहे हो ये पीछे की स्टोरी मैं बता रही हूँ कि एक्टर भी मेकअप करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक्ट्रेस मेकअप करती है। ऐसे कल काव्या बोल रही थी कि पास से मेकअप ठीक तो लग रहा है, साइड से देख रहे हैं सब, मेरे को फील हो रहा है साइड से देख रहे हैं अभी ठीक तो लग रहा है। वैसे बताओ आपको थर्ड टाइम मिलके मुझसे कैसे लग रहा है, जल्दी बताओ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इट्स ऑलवेज अमेजिंग, हर बार मज़ा आता है। मैं यही सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे काउंट भूल जाया जाए, मतलब इतनी बार हो जाए कि काउंट ही भूल जाए। अभी हाइलाइटर लगा रहा हूँ काउंटर एरिया पे, मैं हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे हाइलाइटर लगा रहा हूँ ताकि वो और भी अट्रैक्टिव लगे। ओ माय गॉड, मतलब लड़के लड़की का मेकअप सेम रहता। हाँ। जितना लड़कियां मेकअप करते उतना लड़कों को भी लगता। तो अंदर प्रविष्ट का मेकअप चल रहा है, मैं बाहर आ गई हूँ देखने की कैसे सेटअप चल रहा है। तो इधर की साइड सेटअप चल रहा है, देखो सब कैमरा वगैरह लेके जा रहे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उधर की साइड चल रहा है सेटअप? हाँ, उधर जाना है अभी हमको। ओके, पहले उधर शूट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। देखो इधर की साइड है ना, टेलीफोन एरिया भी है। ये देखो, जैसे हम मूवीज में वगैरह नहीं देखते, इसके अंदर हाँ जा सकते हो। यहाँ पे एक फोन भी है, देखो। एक सेकंड, मैं किसको फोन करूँ? घंटी। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन है? काव्या। बिंदास काव्या। उसको बोल बाबूराव मर गया, बाबूराव सुबह में ही मर गया। यार राजू, उसको बोलना बाबूराव मर गया। मेरा मामा नहीं है वो। उसको हेलो जय महाराष्ट्र। हाय माय ऑल सब्सक्राइबर्स, क्या मालूम मजाक करता है? कैसे हो आप सब लोग? ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। और देखो इधर की साइड है ना, ऑटो भी है, चलो इसमें बैठते हैं। ये टाटा, मैं जा रही हूँ ऑटो में बैठ के। यहाँ पे ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेटअप है, जैसे उधर टेलीफोन वाला हो गया, ये ऑटो वाला हो गया, फिर इधर की साइड भी देखो, ये वाला भी अच्छा है, और इधर की साइड ये वाला एक सेटअप है। देख रहे हो कितना मस्त है ना। तो प्रविष्ट और मैं, हम दोनों रेडी हो गए। क्या आप लोग रेडी हो हमारा फाइनल लुक देखने के लिए? अभी है ना, हम लोग चलते हैं सेट पे और शूटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर बाद में बहुत लेट हो जाएगा। और ये देखो सब जा रहे हैं सेट पे। यार देखो इतना बड़ा गाउन पहना है ना, मेरे को चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ये लो मम्मी, अब देखना है। कुत्ता आ रहा है साथ में। हाय। मैंने इस डॉगी को सुबह आते ही बिस्किट खिलाया था, और वो देखो कब से मेरे पास ही घूम रहा है। संभल के चलना। सो
तो गाइस देखो ये रही हमारी शूटिंग लोकेशन, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। इधर की साइड देखो एकदम ग्रीनरी और कितना अच्छा लग रहा है। आ जाओ चलते हैं इधर की साइड में, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है ना। आप लोग बस मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये शूटिंग लोकेशन कैसी लगी। चलो चलते हैं। देखो तो ये शूटिंग लोकेशन बहुत अच्छी लगी। इधर आओ, आपको कैसी लगी प्रवेश शूटिंग लोकेशन? अच्छी है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन है। अभी आते आते मतलब रास्ते में सारी लोकेशन दिखाया आपने भी काफी हाँ काफी सारे लोकेशन थे। खैर ये तो सबसे बेस्ट ही है अब तक का, तो बहुत ही सुंदर है। मतलब हम दोनों ने ब्लैक ब्लैक पहना है और ये बाकी का पूरा सेट एकदम वाइट अच्छा लग रहा है। सो डायरेक्टर सर हमको स्टोरी बता रहे हैं तो हम सुन रहे हैं स्टोरी। हाय गाइस, हेलो गाइस, हम बहुत नींद आ रही गाइस, हम सोए नहीं है, हम सोए नहीं है पर फिर भी हम एनर्जी में। यस एज ऑल, यस यस। तो अभी हमारी हीरोइन है जो यहाँ से बहुत सुंदर सी लड़की उतर रही है और ये हमारे सुंदर से हीरो जो पलटते और ऐसा हाथ देते हैं, हीरोइन हाथ पकड़ती है, इन्हें यहाँ से लेके जाते हैं। फिर यहाँ पे हम सामने दिखाते हैं कि बहुत बड़ा इनका महल है, ये बहुत अमीर है, तो ये ऐसे लिफ्टिंग होती है यहाँ पे, ऐसे राउंड राउंड मारते हैं। तो यहाँ पर ऐसा सीन है कि प्रविष्ट को है ना मुझे उठाकर ऐसे राउंड घूमना है। अब देखते हैं ये सीन कैसे आता है। तो अभी है ना ऐसा सीन है कि प्रविष्ट मुझे उठा के ऐसे घुमाने वाला है। प्रविष्ट एक बार पूछ लेते हैं ना उनको, मैं ज्यादा हैवी तो नहीं हूँ ना? नहीं नहीं नहीं, सच बताओ नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तीन राउंड घुमा लिया बिना पता चले। हाँ फिर ठीक है, चलो अभी हम लोग चलते हैं। बढ़िया बढ़िया सही आ रहा है। एक बार प्लेबैक चेक कर लो। हाँ प्लेबैक देना। वैसे घुमा रहे हैं ना तो मेरे को चक्कर आ गई एकदम से। चलो स्क्रीन पे देखते कैसे आया ये वाला सीन। पोस्टर फोटो कैसा होना चाहिए वो बता रहे, बताइए। नहीं नहीं बताइए आप क्या बता रहे थे। मैं सोच रहा था कि एक में प्रवेश ऐसे खड़ा हो यहीं पे और यहाँ पे कागज इसे अंदर खड़ी हो, एक ऐसा ले लो। अभी हम है ना पोस्टर फोटो शूट कर रहे, एक तो हमें बताया गया है प्रवेश यहाँ पे खड़े और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ऐसे वाला एक पोस्टर फोटो खोला है। दूसरा आइडिया अभी मम्मी देगी, बताओ दूसरा यहाँ पे बैठ के। क्या आपको सॉन्ग सुनना है 3 सेकंड के लिए कि न्यू सॉन्ग कौन सा होने वाला है? सॉन्ग का नेम है काश तू मेरी हो जाए। 1 2 3 एंड एक्शन राउंड। बहुत बढ़िया, हम दोनों को भी चक्कर आ रहा है। इस बार काफी घूम लिए, ज्यादा राउंड हो गया ना तो चक्कर आ रहा है। 1 सेकंड के लिए सर। चलो तो अभी हमारा सीन रेडी है, हम लोग चलते हैं शूट करने के लिए। आप लोग बताना कि आपको हमारी केमिस्ट्री कैसी लग रही है। जी बिल्कुल। तो रोके आप आपने हाथ पकड़ा एकदम पास आए और बस एक दूसरे को देख रहे हो पास कितना है। अभी इस ब्लैक ड्रेस में जो सीन शूट हो रहे हैं ना वो प्रविष्ट के ड्रीम सीन से म्यूजिक वीडियो में, बट ये सॉन्ग की स्टोरी बहुत ही अलग है। क्या ये ड्रीम सीन सच होंगे वो तो आपको म्यूजिक वीडियो में ही पता चलेगा। देखो यहाँ पे मुझे धूप लग रही थी ना तो पापा अम्ब्रेला लेके यहाँ खड़े। थैंक यू पापा। हीरो इसको भी टचअप की जरूरत पड़ती है और हीरो को भी। तो अभी यहाँ पे है ना मेरा टचअप हो रहा है और बाहर देख रहे हो कितनी धूप है, बहुत धूप लग रही है अभी।
तो हमारा जो शूट है ना वो एकदम बढ़िया चल रहा है। अभी प्रविष्ट का सोलो शूट चल रहा है। टाइटैनिक वाला नहीं होता है जब है ना हीरोइन नीचे सीढ़ियों से आती है और हीरो उसको पलट के देखता है, वैसे वाला सीन चल रहा है उधर। ये तो था म्यूजिक वीडियो शूट का डे वन जिसमें सिर्फ ड्रीम सीन शूट हुए है। अब कल तो म्यूजिक वीडियो की रियल स्टोरी शूट होनी बाकी है। और हाँ, कल होने वाली है विलन की एंट्री। तो क्या हीरो पकड़ा जाएगा और मार खाएगा, वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना।